हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में कि इनके यूजेस क्या क्या हैं, क्या इनकी डोज रहती है और इसे जो है एडल्ट डोज में कितनी मात्रा में दी जाती है और चिल्ड्रेन डोज में जो है कितनी मिलीग्राम पर के जी वेट के हिसाब से दिया जाता है, इसे कैलकुलेट जो है वो किस हिसाब से करना होता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लंबे समय तक इस दवा को लेते तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इनके कुछ जो कौन कौन दवाओं के साथ जो है इनको एजिथ्रोमाइसिन को आपको नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में, तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका जो है एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल लिया जाता है। ये जो है मार्कुलेट ग्रुप के एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोककर ही अपना काम करती है और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का जो है वायरल इन्फेक्शन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे जो है कई बार जो है वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल ना करें। जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉमन कोल्ड या फ्लू हो रहा हो तो उसमें इस्तेमाल ये ना करें। बात करें मार्कुलाइट ग्रुप में जो है कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन और सिप्रामाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन, ये जो 7 ऐसी मेडिसिन है जो इस ग्रुप में जो है आते हैं वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में आते हैं, जो कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट जो है कि आपको सिंगल डोज में देना होता है और 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो इसे डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं, यानी कि 250 मिलीग्राम सुबह और 250 मिलीग्राम शाम में दे सकते हैं। ऐसे जो है आप सिंगल डोज में भी 500 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। डोज की बात करें तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग बीमारियों में जो अलग अलग डोजे दी जाती है। जैसे हम नॉर्मल डोज की बात करें तो आप जो है 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो है दिन में आप एक बार ले सकते हैं, इसे जो है 3 से 5 दिनों तक लेना होता है इसे। और इसको लेने का तरीका ये है कि इसे आप खाना खाने से एक या आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं या इसे जो है आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें हम चिल्ड्रेन डोज के बारे में, तो अप्रोक्स जो है 10 मिलीग्राम जो है पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा जो है 20 केजी का है तो 20 में जो है 20 केजी का बच्चा है तो इसे 200 मिलीग्राम दिया जाता है, यानी कि 20 में जो है आपको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप जो है 20 से जो है 10 में जो है मल्टीप्लाई करें, तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलीग्राम हो जाए। तो 200 मिलीग्राम जो है एक दिन में जो है बच्चे को सिंगल डोज में वो दिया जा सकता है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि जैसे 30 केजी का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 केजी या कोई आदमी है तो उसे जो है आप 10 से मल्टीप्लाई करके 500 मिलीग्राम की टैबलेट आप दे सकते हैं। तो ऐसे जो है डोज वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में कि आपको जो मार्केट में किस किस नाम से आपको देखने को मिल सकता है। तो एजिथ्रो केयर के नाम से आपको मिल सकता है, या एजिथ्रोन के नाम से मिल सकता है, या एजी 500 के नाम से आपको देखने को मिल सकता है, या एजिथ्रो 500 के नाम से, या एजीसी 500, या जो है ये जेनिक नेम से भी एजिथ्रोमाइसिन के नाम से भी आपको ये मिल जाएगा। ये तो ये थे कुछ इनके पॉपुलर ब्रांड नेम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के यूजेस के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का जो यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का जो यूज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है वो यानी गले में सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या गले में खराश हो तो उस समय जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टॉन्सिल हो गया हो या आपको उसका गला ख़राब हो गया हो या कफ हो रहा हो, जो लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस्तेमाल लिया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है सॉफ्ट टिश्यू में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय जो इनका इस्तेमाल वो लिया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो एयर इन्फेक्शन में भी लिया जाता है, जिससे कि आपके एयर में जो है वो पस टाइप का निकलने लगता है, वो लार टाइप का, तो उसमें भी इस्तेमाल वो ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इस्तेमाल जो है एसटीडी में भी लिया जाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी लिया जाता है। अगर कोई महिला है उनको जो है वाइट डिस्चार्ज की यानी कि प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें भी ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। किसी महिला को जो है यूरिन में जो है वो बर्निंग की प्रॉब्लम है, यानी कि जलन, यानी कि पेशाब करते समय जलन महसूस होता है, तो उस समय भी यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो लिया जाता है। वो तो ये थे कुछ इनके यूजेस। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में कि इनका जो है क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी एंटीबायोटिक का जो है वो 3 साइड इफेक्ट जो है वो नॉर्मल होता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग और जो है डायरिया जैसी जो है वो 3 जो है वो आपको हर एक में देखने को आपको मिल जाएगा, हर एक एंटीबायोटिक में आपको देखने को मिल जाएगा ये 3 साइड इफेक्ट। इसके अलावा जो है आपको जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या आपके पेट में दर्द हो सकता है, या आपको जो सर में यानी कि दर्द हो सकता है, या आपको चेस्ट में आपको पेन हो सकता है, या जॉन्डिस जैसी समस्या हो सकती है आपको, या आपको जो है डिजीनेस आपको हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या गर्भवती महिला जो है जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को ले सकती है या नहीं ले सकती। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को जो है गर्भवती महिला ले सकती है, मगर डॉक्टर की निगरानी में वो ले सकती है। और कोई महिला जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी दूध पिलाती है तो वो भी इस टैबलेट को ले सकती है, उनके लिए भी सेफ है, मगर अपने डॉक्टर की आप सलाह ज़रूर लें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ जो है आप कौन कौन सी दवाइयाँ आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो जैसे माइग्रेन की दवा ले रहे हैं, आपको जैसे सर में दर्द हो रहा है उसकी दवा आप ले रहे हैं, तो उसके साथ भी बिल्कुल भी एजिथ्रोमाइसिन को नहीं लेना, और लेने से पहले जो अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।